हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव घड़ी है, मेरे लिए भी सेंसिटिव घड़ी है कि यहाँ पर क्या जास्मिन भसीन रूबीना को सेव करेगी। आखिरकार आप लोगों ने प्रोमो में भी देखा है, क्योंकि जास्मिन को सेव करने के लिए रूबीना को सेव करने के लिए जास्मिन को अली को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये जो मुश्किल की घड़ी जास्मिन के ऊपर आई है, क्या जास्मिन ने रूबीना को सेव करके अली को नॉमिनेट किया है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी अपडेट। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, यहां पर इन दोनों के ऊपर, अभिनव के ऊपर और एक्चुअली में रूबीना के ऊपर काफी ज्यादा मुश्किल घड़ियां डाली गई हैं। और उस दौरान ही वहां पर रूबीना को सेव करने के लिए जास्मिन को बीच में लेके आया गया है और जास्मिन को अली को नॉमिनेट करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन खड़ी कर दी गई है जहां पर जास्मिन काफी ज्यादा इमोशनल और इस बंधन में इतनी ज्यादा फंसती हुई नजर आएगी कि आप लोगों को वो रोती हुई दिखाई देगी। जहां पर एक एक जगह पर उनके बहुत अच्छी फ्रेंड रूबीना द लाइक है और दूसरी जगह पर वो उनके इतने अच्छे फ्रेंड है जो उनके लिए घर के अंदर आए हैं। तो गाइस, यहां पर जो जास्मिन है वो रूबीना को सेव नहीं करती हैं, यहां पर वो करती हैं सेव सिर्फ और सिर्फ अली गोनी को, क्योंकि वो ये भी कहती हैं कि अली गोनी अब आए हैं और अली गोनी उनके लिए आए हैं। कहीं ना कहीं जास्मिन भसीन को इसके बारे में पता है कि रूबीना को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, रूबीना सेव जरूर होगी वोटिंग के जरिए। उस दौरान ही अगर अली को मैं नॉमिनेट कर देती हूं, अली एक्चुअली में जा सकते हैं बाहर, इसीलिए उन्होंने ये मुश्किल डिसीजन जो है वो अपने पक्ष और अली के पक्ष में लिया है। जहां पर हम लोग जास्मिन की साइड पे हैं और आप लोगों को पता है, आप लोगों की पावर है इस चीज की कि आप लोग रूबीना द लाइक को बचाएंगे जरूर। तो इस हफ्ते घर के अंदर नॉमिनेट कौन कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हफ्ते घर के अंदर जो नॉमिनेट है, डेंजर जोन में है, जो इस हफ्ते घर से बेघर हो सकता है, वो दो नाम है जो है रूबीना द लाइक और शार्दुल पंडित। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार किसके चांसेस सबसे ज्यादा है घर से बाहर जाने के। काफी ज्यादा मुश्किल घड़ी है जास्मिन भसीन के लिए, हम समझ सकते हैं उनकी सिचुएशन, पर हम उनको बुरा कभी नहीं बोलेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।